नमस्कार। राहुल गांधी कितने नॉन सीरियस नेता हैं ये सब लोग जानते हैं। हम पहले कई बार उनके बारे में बात कर चुके हैं और कई बार हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं। ये चीज़ें भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और राहुल गांधी पब्लिक फिगर के रूप में किस तरीके से बिहेवियर करते हैं इस पर कई बार भी डिस्कशन हो चुके हैं, आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, कई तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन राहुल गांधी बार बार ये साबित कर देते हैं कि वो दरअसल देश के प्रमुख विपक्षी नेता बनने लायक क्यों नहीं है। देखिए, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने जो किया है वो बहुत ही अपेक्षित है। राहुल गांधी ने एक स्पीच में पब्लिकली ये कहा, आपने टीवी पर भी देखा होगा, कि ये जो नरेंद्र मोदी बोलता फिर रहा है 6 महीने बाद लोग इसकी पीठ पर डंडे मारेंगे और रोज़गार की बात करेंगे कि भाई हमें रोज़गार क्यों नहीं मिला। राहुल गांधी को बहुत चिंता सता रही है कि देश के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और सबसे बड़े बेरोज़गार तो राहुल गांधी खुद हैं। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा और अब उनके सामने कोई मुंह नहीं है कि वो कांग्रेस के फिर से अध्यक्ष बन जाएं। मजबूरी में पार्टी ने उनकी बुज़ुर्ग माँ को पार्टी की अध्यक्ष बनाया और उसी से काम चला रहे हैं। राहुल गांधी एक तरह से बेरोज़गार हैं और मुझे तो लगता है कि वो खुद अपनी बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने इस देश में 70 साल तक शासन किया और उसके बावजूद भी उन्हें उनकी पार्टी को स्कीम चलानी पड़ी जो नरेगा है, यानी कि गांव में हर आदमी को निश्चित रोज़गार देने की जो योजना है राहुल गांधी को वो चलानी पड़ी उनकी पार्टी को, जिसमें कि 3,000 रुपये पर मंथ गांव में लोगों को दिए जाते हैं, गरीब मजदूरों को दिए जाते हैं, मनरेगा जिसका नाम बाद में कर दिया गया। तो अगर 70 साल बाद भी आपको लोगों को रजिस्टर्ड तरीके से भीख देनी पड़ रही है, यानी कि आप अपना पंजीकरण कराइए कि आप बेरोज़गार हैं और आपको पैसे मिलेंगे, एक तरह से ये एक रजिस्टर्ड भीख है जो आपको मिल रही है। इसे मैं ठीक उसी तरह से मानता हूँ जिस तरीके से कई तरह की पेंशन सरकारें बांटती है, वो सब रजिस्टर्ड भीख की तरह ही मैं मानता हूँ कि आप सरकार के सामने गिड़गिड़ा के भीख मांगते हैं कि भाई आप मुझे ये पैसा दे दीजिए, मेरी फला मजबूरी है, मेरी फला मजबूरी है, इस तरह की बातें आप करते हैं। तो ये एक तरह की रजिस्टर्ड भीख ही है कि आप 70 साल बाद भी लोगों को रोज़गार देने की स्थिति में नहीं है और उसके बाद आपको एक ऐसी स्कीम लानी पड़ी कि जिसमें आपको, आप नौकरी करें या ना करें, काम करें या ना करें, मजदूरी करें या ना करें, लेकिन आपको 3,000 रुपये पर मंथ की इनकम होती रहेगी। तो उस पार्टी के नेता राहुल गांधी अब लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि देश में रोज़गार, बेरोज़गारी, इन मुद्दों पर बात की जाए। कायदे से उन्हें तो ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए। पहले उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो अपनी पार्टी में किस पोजीशन में है। उनकी पार्टी में उनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी पार्टी के नेता उनकी बात नहीं मानते हैं। जब वो कहते हैं कि नैतिक रूप से सबको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए तो उनकी पार्टी के नेता कह देते हैं कि सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी तो आपकी है, आप दीजिए, हम क्यों दें। और राहुल गांधी जोशी जोश में इस्तीफ़ा दे देते हैं और इस्तीफ़ा देने के बाद जब घर बैठ जाते हैं तो उन्हें याद आता है कि किस तरीके से देश में बेरोज़गारी की समस्या बढ़ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी अभी तक मेंटली रूप से इस बात के लिए तैयार ही नहीं हो पाए हैं कि उनकी पार्टी की देश में से सत्ता चली गई है। कांग्रेस ने शायद ये सोचा था कि 5 साल के बाद उनकी सत्ता वापस आ जाएगी। ऐसा पहले हो भी चुका है, जनता पार्टी की सरकार में 2 साल में आ गई थी, वीपी सिंह की सरकार जब आई 2 साल में आ गई थी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 5-6 साल ज़रूर चली लेकिन उसके बाद भी फिर सत्ता में आ गई कांग्रेस और 10 साल के लिए आ गई। तो राहुल गांधी को ये लग रहा था कि उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आ जाएगी और नरेंद्र मोदी बाहर हो जाएंगे और उसके बाद सब कुछ हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही अनपेक्षित रूप से हुआ है।
पाँच साल के बाद नरेंद्र मोदी दोबारा आए और उससे बड़ी मेजोरिटी के साथ सत्ता में आ गए। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के जो ये बयान हैं, नरेंद्र मोदी पर जो व्यक्तिगत प्रहार हैं, वो उनकी वो झुंझलाहट, वो फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, वो डेस्परेशन दिखाता है कि वो किस तरीके से सत्ता में आने के लिए बेचैन है। और यही वजह है कि समय समय पर राहुल गांधी उन पर व्यक्तिगत रूप से हमला करते रहते हैं। राहुल गांधी ने कई बार इस तरह के बयान दिए हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी है, आपको पता ही होगा। और उसके बावजूद भी राहुल गांधी खुलेआम इस बात का दम भरते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफ़ी मांग लूं, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफ़ी मांग चुके हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी दरअसल अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से एक सीरियस नेता नहीं माने जाते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी कहीं नहीं स्टैंड कर पाते हैं। और इसका देखिए, नरेंद्र मोदी ने कितना बढ़िया जवाब दिया लोकसभा में। उन्होंने सीधा कहा कि भाई, अगर आप मुझे डंडा मारना चाहते हैं मेरी पीठ पर, तो मैं सूर्य नमस्कार करके अपनी पीठ को इतना मजबूत कर लूँगा कि आप कितने भी डंडे मारिए, मैं आप उन डंडों की चोट मुझ तक नहीं पहुँचने वाली है। इसके अलावा कोकराझार में जो रैली हुई नरेंद्र मोदी की, असम में बहुत बड़ी रैली हुई और इसे देश की सबसे बड़ी रैलियों में से आज तक की गिना जा रहा है, इसकी शुरुआत में भी नरेंद्र मोदी ने वहीं से बात शुरू की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई, कांग्रेस के एक नेता मुझ पर मेरी पीठ पर डंडा बरसाना चाहते हैं, लेकिन जब इतनी सारी देश की भीड़, 120 करोड़ लोगों की भीड़ मेरी रक्षा के लिए तैयार खड़ी है, तो मुझे किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। तो ये वही कॉन्फिडेंस है नरेंद्र मोदी का जो नज़र आ रहा है, जो उन्हें सपोर्ट मिल रहा है जनता से, वही नज़र आ रहा है। हो सकता है कि एक राज्यों में कुछ चुनाव बीजेपी हार गई है, हो सकता है कि कुछ राज्यों में उनकी सत्ता कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहुल गांधी समय समय पर अपने इस तरह के बयान देकर अपने आप को एक नॉन सीरियस नेता के रूप में ही इस्टेब्लिश कर रहे हैं। यही वजह है कि उनके नाम पर पार्टी में सहमति नहीं हो पाती है। जब उन्हें पार्टी में अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय भी पार्टी में सहमति नहीं थी कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि कोई नाम नहीं था और सोनिया गांधी अस्वस्थ रहती थी, और इसी वजह से राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए थे। कुछ लोगों ने प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात की थी, लेकिन प्रियंका अपनी फैमिली लायबिलिटीज़ की वजह से शायद राजनीति में नहीं आना चाहती हैं। बहरहाल स्थिति यही है कि राहुल गांधी ने जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के प्रति बयान दिया है, वो सिर्फ यही दर्शाता है कि राजनीतिक रूप से परिपक्वता उनमें अभी जीरो है, और अभी उन्हें नरेंद्र मोदी जैसी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए या उन्हें चैलेंज करने की स्थिति में आने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी, जो कि बोलने के, भाषण के, वाक चतुर्य के बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति हैं, उनके सामने अगर आप इस तरह की बातें बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि मोदी को आप बैठे बैठाए एक मुद्दा दे रहे हैं कि वो आप पर प्रहार कर सकें। इसलिए राहुल गांधी को मेरे ख्याल से अभी कुछ दिनों के लिए विदेश चला जाना चाहिए, उन्हें विपस्याना करनी चाहिए, उन्हें आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर बोल सकें। इस बारे में बात आपसे आगे करते रहेंगे, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।